HDFC क्रेडिट कार्ड अगर आपने अप्लाई किया है और किसी कारण से आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन होती है, तो गाइस आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और उसकी एप्लीकेशन अगर डिक्लाइन हो जाती है, तो डिक्लाइन होने के बाद आप वापस कितने दिनों के बाद HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी इंफॉर्मेशन को आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। आपको वापस कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कितना गैप आपको रखना है, पूरी इंफॉर्मेशन आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो गाइस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को अगर आप अप्लाई करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन अगर डिक्लाइन हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद या तो आपके पास में इनकम का रिक्वायरमेंट किया जाता है, और अगर आपके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। और एप्लीकेशन डिक्लाइन होने के बाद आपको यहाँ पर 90 डेज यानी कि 3 मंथ का गैप रखना है। 3 मंथ से पहले अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को वापस अप्लाई करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को अगर आप वापस सबमिट करेंगे, तो आपके सामने एक एरर आएगा, एक SMS आपको शो होगा, उसमें यही मेंशन रहेगा कि आपने रिसेंटली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिटेड है, आप यहां पर 90 डेज बाद या फिर 3 मंथ बाद ट्राई करें। तो गाइस आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, डिक्लाइन होती है, उसके बाद आपको यहां पर 3 मंथ तो वेट करना है। अगर आपके HDFC क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हुई है, तो गाइस आपको एक बात और ध्यान रखनी है, किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड भी आपको उसी टाइम अप्लाई नहीं करना है। यहां पर आपका होता क्या है, जब भी आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अपनी फाइल को सबमिट करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो और अप्रूव हो। ज्यादातर लोगों की क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन होती है, रिजेक्ट होती है, और जब आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या फिर आपके पास में किसी भी टाइप का आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है, तो वहां पर आपके क्रेडिट स्कोर में एक इनकवरी चली जाती है, और इनकवरी जाने से वहां पर आपकी जो इनकवरी की लिस्ट होती है वो भी बढ़ने लगती है, और इनकवरी में क्लियरली मेंशन होता है कि आपने इस बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है या फिर इस लोन के लिए अप्लाई किया है, आपको यहां से रिजेक्ट किया गया है। ठीक उसी महीने या फिर उसी दिन अगर आप दूसरे बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहां पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो, वहां पर भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि रिसेंटली आपकी एक एप्लीकेशन डिक्लाइन हो चुकी है और ये भी आपकी डिक्लाइन हो सकती है, क्योंकि आपका जब क्रेडिट स्कोर फेच होता है, ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट स्कोर रीड होता है, तो इसमें जो आपका इनकवरी होता है, रिसेंटली जो आपकी इनकवरी होती है, जो आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हुई है, वो इनकवरी ऑटोमेटिकली चेक होती है, और जब वो इनकवरी ऑटोमेटिकली चेक होती है, फेच की जाती है क्रेडिट स्कोर में, सिविल स्कोर में, तो वहां पर अगर आपका रिजेक्शन है, तो दूसरा बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, क्योंकि आपकी पहले से एक एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। तो गाइस आपको कोशिश यही करनी है कि 3 मंथ आपको वेट करना है। 3 मंथ से पहले आपको किसी भी बैंक में, किसी भी क्रेडिट कार्ड इश्यूर में अपने क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आप सबमिट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद भी अगर आप ट्राई करते रहते हैं क्रेडिट कार्ड सबमिट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो गाइस हो सकता है आपको जहां पर 3 मंथ बाद क्रेडिट कार्ड मिलने वाला था, 6 मंथ बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला था, वही आपको यहां पर 1 साल या फिर 2 साल वेट करना पड़ सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड इश्यूर में, आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें, वहां पर अगर आपको रिजेक्शन मिल जाता है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो वहां पर आपको क्लियरली मेंशन होता है कि आप इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद आप अपनी एप्लीकेशन को वापस से रिसबमिट कर सकते हैं, रीअप्लाई कर सकते हैं। तो उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको आगे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप किसी भी बैंक या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते रहेंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता रहेगा, और जब क्रेडिट स्कोर डाउन होगा, तो वही आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। और गाइस रही बात HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड की, अगर आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन होती है, तो आपको ओनली फॉर 3 मंथ वेट करना है, आप 3 मंथ के बाद
वापिस रीअप्लाई कर सकते हैं अगर आपके सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूव्ड ऑफर रहता है। विदाउट प्री अप्रूव्ड ऑफर के अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वापिस से रिजेक्शन मिल सकता है, इसीलिए आप ऑफर का वेट करें अगर आपके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास में इनकम प्रूफ है और वहां पर आपको रिजेक्शन मिलता है तो सिंपली आप अपनी इनकम डॉक्यूमेंट को, इनकम को वेरीफाई करके भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को इश्यू करा सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए।